It's red. Please open OBS. It's red. नमस्कार गुड मॉर्निंग माय नेम माई सूर्य प्रकाश शर्मा और मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेता हूं बहुत दिनों बाद आया हूं और इस वोकैबलरी शो के साथ में हम शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास की अच्छा वोकेबलरी शो का मतलब क्या है जैसे सबसे जो खतरनाक चीज होती है इंग्लिश के अंदर चाहे वो सिनोनिम्स हो चाहे वो एंटोनिम्स हो चाहे वन वर्ड हो कुछ स्पेलिंग्स हो या फिर एडियम एंड फ्रेजेस हो तो वो सब वोकेबलरी का एक पार्ट बनता है अच्छा आज की क्लास में हम सिनोनिम्स करेंगे एंटोनिम्स करेंगे और वन वर्ड करेंगे साथ में कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे और आ, कम टाइम में ज्यादा चीज का फायदा हम यहां पे करने वाले हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं आप मुझे बस बता दीजिएगा एवरीथिंग इज ओके ठीक है चलिए सबसे पहले तो एक बहुत ही शानदार वर्ड आया है आपके सामने जो कि है सिस्टा ठीक है क्या वर्ड है सिस्टा राइट देखिए एन आफ्टरनून रेस्ट और नैप स्पेशली वन टेकन ड्यूरिंग द हॉटेस्ट आवर्स ऑफ द डे अच्छा आपको पता होगा तो हाँ दिन में तीन या चार है ना तीन या चार जी आ, बजे के करीब नींद आती है एकदम से इस तरह की देख रहे हो आप यहां पे, हाँ इसको देखना है ना इसको और किसी को नहीं देखना है समवन प्लीज अच्छा दिख ही रहा है ना नाटिए समवन प्लीज वेक हिम अप फ्रॉम अ सिस्टर ठीक है बिल्कुल सही है सर योर वीडियो इज नॉट क्लियर बिल्कुल वीडियो का थोड़ा सा दिखना पड़ेगा जी हाँ वीडियो तो प्रॉपर नहीं है तुम्हारा ऑप्शन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी लिंकिंग लॉस देखिए मेरा नाम है सूर्य प्रकाश शर्मा और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं अच्छा बहुत दिनों बाद आया हूं मैं हाँ वेरी गुड मॉर्निंग जी बफरिंग होता रहता है एक्चुअली क्या है कि बहुत दिनों बाद आया हूं तो कुछ ना कुछ धमाका तो हमेशा होता ही है तो बेफिक्र रहिए ये सिर्फ नॉर्मल है तो बेफिक्र रहे और आज से हम वो शो स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हर सैटरडे को अब चलने वाला है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहला जो वर्ड है इसका मतलब है सिस्टा। अच्छा अब ये सिस्टा क्या होता है है ना हाँ सिस्टा का मतलब यहाँ पे होता है कि एक आफ्टरनून स्लीप एक छोटा सा नैप आपको पता हो तो हम सुबह उठते हैं कुछ लोग तो देखो मेरे जैसे तो 11 12 बजे उठते हैं हाँ कुछ लोग सुबह उठते हैं जल्दी तो तीन बजे तक वो थक जाते हैं तो थक जाते हैं तो थोड़ी सी नींद आती है उनको है ना तो उसी नींद को हम क्या कहते हैं सिस्टा कहते हैं राइट जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर हाँ इसको देखना है ना डॉग को राइट सम वन प्लीज वेक अप आ, वेक अप फ्रॉम अ सिस्टा बिल्कुल सही है फिर देखिए यहां पे आपको सिनोनिम्स की बात करें तो कैट नैप, कैट नैप का मतलब होता है छोटी सी स्लीप अच्छा एक और मैं आपको बताता हूं अपन क्या है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमको पावर नैप तो आना बहुत जरूरी होता है ये जो पावर नैप होता है ना ये 10 से 15 मिनट का नींद होती है छोटी सी जो आप कहीं पे भी रह के सो सकते हैं अगर आपको ये करना आ जाता है तो आपकी थकावट जो है पूरी दूर हो जाएगी राइट चलिए देखिये यहां पे हाँ आ, डोज ड्राउस फोर्टी विंग्स किप नैप स्नूज विंग ये सब क्या है छोटे छोटे नाम है जी स्टूडेंट्स के लिए उठा हूं मैं साढ़े दस बजे सोचो आप यहां पे जी हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्सस नेक्सस बहुत अच्छा वर्ड है एक्चुअली एक तो क्या है ये देखो नेक्सस नाम का एक मोबाइल भी है एल जी का है ना और गूगल नेक्सस भी आता है इसी तरह से एक नेक्सस का मतलब यहां पे क्या होता है बांधन एग्रीमेंट कह सकते हो वैसे ये लीगल वर्ड है हा सामकन कह सकते हो हिंदी बहुत कमजोर है मेरा पहले ही बता देता हूं आपको संबंध कह दो ताल्लुक कह दो या फिर साठ घाट कह दो जैसे आप फोटो में आप देख रहे होंगे हाँ किसी के नेक्सस मोबाइल जो वॉलपेपर है है वो ये देखिए मोदी जी और पतंजलि ठीक है दोनों जने हैं और बिटवीन नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पतंजलि क्या है तो एक कनेक्शन ऐसा हाँ जो की सीरीज ऑफ कनेक्शन लिंकिंग टू और मोर थिंग्स जी ये क्लास जो है 1.5 पॉइंट आवर चलेगी यानी कि डेढ़ घंटा चलेगी ये क्लास ठीक है हाँ कोशिश मैं करूंगा जल्द से जल्द खत्म हो जाए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन ये हमारा क्या है टारगेट रहता है नेक्स्ट सबसे पहला जो एंटोनिम अच्छा सबसे पहले हम एंटोनिम कर रहे हैं एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट ऑपोजिट वर्ड ठीक है तो ऊपर की साइड में एंटोनिम लिखा हुआ होगा तो आपको उसका उल्टा सॉल्व करना है यानी कि विलोम शब्द जैसे ब्यूटी ब्यूटी का मतलब तो आप सब जानते ही हैं ठीक है आ, इस नेचर की ब्यूटी है है ना ब्यूटीफुल कहा जा सकता है तो ब्यूटी का ऑपोजिट बताना है चलिए देखते हैं हा सबसे पहला है अगलीनेस मेरे हिसाब से तो अग्लीनेस ही आंसर होगा है कि नहीं और असली में एक्चुअली क्या है अगलीनेस ही इसका आंसर है बिल्कुल सेकेंड है क्रुएल्टी क्रुएल्टी का मतलब यहां पर क्या होता है देखो ब्यूटी का ऑपोजिट अगली तो अग्लीनेस हो गया इसका आंसर और क्रुएल्टी का मतलब होता है बड़ी ब्रूटेलिटी के साथ में दरिद्रता के साथ में तो ये तो हो नहीं सकता लॉन्ग का मतलब क्या होता है लंबा तो ये भी नहीं हो सकता अब ये क्या है स्क्वेमिश इस स्क्वेमिश का मतलब बता देता हूं सबसे पहले मैं आपको ये तो गलत है ठीक है स्क्वेमिश का मतलब होता है कि इजीली मतलब कि जो आसानी से उदास हो जाए पर्सन ठीक है वन इजीली बिकम्स सिक और अनप्लीजेंट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको आराम से दिखे अनप्लीजेंट यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाए या फिर दुखी हो जाए अनप्लीज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं यहां पे स्क्वेमिश कहा जाता है स्क्वेमिश सेकेंड एंटोनेम बताना देखो अपन ने एक के साथ में पांच क्वेश्चन हैं तो पांच वर्ड तो अगर हमने समझ लीजिए पचास भी किया तो पचास इंटू पांच कितने ढाई सौ वर्ड एक ही दिन में इंपॉर्टेंट ट्रेम्बल ट्रेमलिंग ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है बहुत ही ज्यादा फियर होना क्या होता है भाई इसका मतलब फियर ट्रेम्बल का मतलब तो इसका मतलब अपन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है सबसे पहला वर्ड है कार्नल ये कर्नल नहीं है ये क्या है कार्नल तो कार्नल का मतलब होता है फिजिकल नीड्स हमारी बॉडी को जो जो चीजें चाहिए फिजिकली वो सब चीजें का मतलब क्या होता है कार्नल अपन ऐसा कहते हैं कार्नल नीड्स वी हैव सम फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल नीड्स स्टडी का मतलब यहां पे होता है कि बिना डरे चलते जाना ये तो ड्रेम्बल का मतलब तो डर जाना और स्टडी का मतलब क्या होता है बिना डरे चलते रहना बिना रुके तो वही होता है अपन ने नाम भी सुना होगा स्लो एंड स्टेडी विंस रेस वैसा ही कुछ अच्छा मीकनेस मीकनेस वर्ड जो होता है ना इस मीकनेस का मतलब होता है हम्बल इसको हम्बल नहीं कहते हैं हमल हमल का मतलब यहां पे क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा काइंड हो परोपकारी हो ऐसा पर्सन उसको और इमेजिनेटिव का मतलब तो क्या होता है जो सिर्फ इमेजिन करता रहता है मैं तो जज बनूंगा एम क्लियर करूंगा आरजेस क्लियर करूंगा बैठे बैठे जो इमेजिन करे, उसको क्या कहते हैं हम इमेजिनेटिव कहा जाता है Next word. ये जो हैं हैं, ये 2023 के है, 2023 के के जो करंट अफेयर में द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया में आए हैं ठीक है थीके? तो मैं आपके लिए लेके आया हूं नेक्स्ट हाँ अगला वर्ड थोड़ा सा है टफ ठीक है हाँ इसका मतलब होता है इन साइनुएट ठीक है इन साइनुएट का मतलब क्या होता है थोड़ा सा है टफ देखो इंग्लिश वैसे भी टफ है हाँ तो थोड़ा तो मुश्किल होता ही है इनसुएट का मतलब यहां इन सीनुएट का मतलब यहां पे होता है कि किसी चीज को कोई आ, किसी को सजेस्ट करना ठीक है या फिर आ, किसी को बताना लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्या है इनडायरेक्ट वे में जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे यार तू तो बहुत बढ़िया कर रहा है काम हाँ। जबकि उसको पता है कि भाई ये ताना ही मारा ताना ताना इज द राइट वर्ड हां इनसिनुएट का मतलब होता है ताना तो क्या होता है टू टेल इन एन इनडायरेक्ट वे इनडायरेक्ट वे में किसी को बताना अब इनसिनुएट का एंटोनेम बताना है यानी कि उल्टा चलो देखते हैं भाई इसका आंसर क्या हो सकता है आप सब कंसील बता रहे हैं चलिए देखते हैं हाडिसेंट ये क्या लिखा है सिंपल सा मतलब है इसका डिसेंट का नॉट डी यानी कि जो डिसेंट नहीं है सिंपल सा कौन अगला वर्ड है कंफाउंड कंफाउंड का मतलब होता है टू कंफ्यूज तो ये तो हो नहीं सकता इसका उल्टा तो ये क्या है टू कंफ्यूज एक एक के मैं वर्ड लिख रहा हूं आप आराम से इसको पूरे को ब्लैक बुक में लिख सकते हो अपनी ठीक है कंसील करना अच्छा कंसील का मतलब क्या होता है छुपाना टू हाइड समथिंग बताना और एक चीज है छुपाना तो इसलिए इसका आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर सी होता है और आप सभी ने बताया भी है वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है टू हाइड समथिंग वेरी गुड और मूविंग का मतलब यहां पे क्या होता है आ, चलना टू मूव मूविंग right. का एक और रूट वर्ड है जिसको हम कहते हैं एम्बू एम्बू का मतलब भी क्या होता है ये चलना होता है राइट right. नेक्स्ट देखते हैं अपन। एक्सपीडिएट, ठीक है? एक्सपीडिएट uh. का मतलब क्या होता है मुझे तो इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है एक्सपीडिएट होता है ये, एक्सपीडिट नहीं होता है तो मेरे हिसाब से इसकी स्पेलिंग ये होगी एक्सपीडियट देखो यही फर्क पड़ता है अब हाँ। सर आपकी कोचिंग अलाहाबाद में है आपको कैसे पता चला हाँ राइट एक्सपीडीएट का मतलब क्या होता है जयपुर में भी है अलाहाबाद में भी है जी हाँ एक्सपीडीएट का मतलब पहले हम देख लेते हैं इसका मतलब होता है कि कोई चीज काम होना फास्टली थोड़ा सा क्या है फास्ट काम होना ठीक है हा टू है क्विकली मतलब फटाफट से कोई चीज होना एक्सपीडिएट कहते हैं राइट right. इसका ऑपोजिट बताना है ऑपोजिट मतलब उल्टा ऑनेस्टी मतलब तो ईमानदारी होता है तो ये तो हो नहीं सकती इम्पीड इम्पीड का मतलब होता है आ, देरी करना टू डिले क्या होता है टू डिले बहुत अच्छा वर्ड है ये और कंटेम्पलेटिव का मतलब यहां पे होता है कि जब हम कोई थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं कंपेटेटिव का मतलब होता है टू एक्सप्रेस थॉट्स सब वर्ड हर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें इंग्लिश आता है हरियाणा जुडिशरी और पंजाब जुडिशरी में तो खासकर हरियाणा एडीए में खासकर आरजेएस में बहुत इंपॉर्टेंट डीजेएस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमपीसीजे असम गुजरात जुडिशरी सभी के अंदर ये आता है इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट तो है ठीक है हाँ तो एक्सपीडिएट भी इज अ राइट आंसर बिल्कुल तो ये ये भी इसकी स्पेलिंग सही है ठीक है हाँ सफर का मतलब यहां पे क्या होता है आ, सफर करना तो वो हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला सफर ठीक है हाँ तो इसका मतलब हो गया ये तो एक्सपीडियट का जो एंटोनिम है वो उसको क्या कहते हैं अपन इंपेडिंग ठीक है इम्पीड इम्पीडिंग चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम यहां पे हा यूपीसीजे यूपी में नहीं आता है ना नेक्स्ट बैरन अच्छा बैरन का मतलब तो एक्चुअली होता है आ, बंजर बंजर जमीन होती है ना बंजर उसको कहते हैं हम बैरन ठीक है और इसमें से देखो क्या होता है हारमोनियस का मतलब होता है मधुर मेलोडियस मधुर जो होता है बहुत ही अच्छा जिसको कहा जा सकता है इवेल्युएट का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन है इसको अच्छे से करो आंसर निकालो इसका तो ये दोनों ही नहीं हो सकता इसका ठीक है सिंगुलर का मतलब एक एक वचन कह सकते हैं और डैम्प का मतलब होता है कि वेट सरफेस क्या होता है वेट सरफेस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डैम्प यहां से क्या है बिल्कुल सही है हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला है वरी वरी का उल्टा क्या होता होगा सिंपल सांसर है फटाफट से बता दो हाँ वरी का ऑपोजिट वरी का मतलब चिंता चिंतित होना तो चिंतित का ऑपोजिट क्या होता है कंफर्ट होना ठीक है सब अच्छा अच्छा लगना सीधा सीधा आंसर है कंफर्ट है कि नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है अच्छा मैं आपको बता देता हूं टोटल है 97 स्लाइड्स जो यहां पे आपको दिखती रहेगी नौ क्वेश्चन हुए हैं ठीक है आ, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना आपको मैंने नहीं मैंने नहीं हाँ सूर्या सर ने नहीं एसपी सर ने आपको पढ़ाया था कि सत्तर के साल के बाद आपको रिनाउंस लेना चाहिए यानी कि त्याग देना चाहिए जीवन को बिल्कुल और डल का मतलब डल टाइप बिल्कुल नेक्स्ट फेनेटिकल बहुत ही भारी वर्ड है ये फेनेटिकल अच्छा फेनेटिक फेनेटिक से वर्ड आया है फेनेटिकल यानी कि कट्टर हां ठीक है कट्टर रिनाउंस नहीं है ना ना रिनाउंस कैसे हो सकता है वरी का ऑपोजिट कंफर्ट हाँ ठीक है हा फेनेटिक का मतलब क्या होता है कट्टर पर्सन और कट्टर का मतलब होता है अंधा विश्वास होना किसी चीज का बहुत ही ज्यादा विश्वास जैसे कि उर बाबा की जय हाँ, बाबा की ये बिल्कुल बाबा जी ने बोल दिया बात खत्म हो गई तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं है बिल्कुल सही है, ए, हमको आजादी है हम किसी के साथ बंधे हुए नहीं है कट्टर नहीं है हम हम लिबरल है इग्नोरेंट का मतलब अगर कोई बता दे मुझको तो मैं मान जाऊं इग्नोरेंट का मतलब बताएं फटाफट से जल्दी से आई एम वेटिंग बहुत अच्छा वर्ड है ये इग्नोरेंट का मतलब इग्नोर करना बिल्कुल नहीं होता हाँ। राइट ठीक है हां तो इग्नोरेंट का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज ठीक है अधूरा ज्ञान जो कि बहुत खतरनाक होता है उसी को हम इग्नोरेंट कहा जाता है destitute, destitute का मतलब क्या होता है Restitute मतलब बहुत ही ज्यादा पुअर आदमी एक्सट्रीमली पुअर एक्सट्रीमली पुअर का मतलब पता है क्या होता है बहुत ज्यादा और ग्लूमी का मतलब होता है सैड एकदम ही ग्लूमी सी फेस बना रखा हो हाँ बिल्कुल ही बहुत दुखी हूं मैं परेशान हो गया हूं क्या करूं ऐसा कुछ उसको क्या कहते हैं ग्लूमी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अरे ये कहां से आ गया भाई हाँ बंजारा लग रहा है ये तो नहीं हाँ शाहरुख खान भी देखो अपनी स्टाइल के अंदर बता रहा है राइट तो नोमैड नोमैड का मतलब होता है आवारा बंजारा ऑल्सो नोन एज वेगा बॉन्ड जो इधर से उधर घूमता रहे उसे क्या कहते हैं वेगा बॉन्ड और आजकल तो बहुत सारे लड़के लड़कियां भी जो है इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी आवारा ही बुलाते हैं राइट डज नॉट स्टे लॉन्ग इन द सेम प्लेस अर बिल्कुल भी कहा जा सकता है हाँ तो शाहरुख खान देखो बोल रहे हैं लुक सन फाउंड अड देखो बंजारा मिल गया है राइट right. इस तरह का अपन थोड़ा ये सिस्टम ठीक लगेगा अपने को क्या कि क्या है कि जो अ फोटो से जल्दी याद होती है वो कैब्रेरी इस वजह से चलिए इसी बात पे नेक्स्ट देखते हैं गॉर्जियस राइट गॉर अच्छा स्टक हो गया क्या हम्म बिल्कुल देखिए यहां पे गॉर्जियस गॉर्जियस का मतलब और क्या हो सकता है ब्यूटीफुल हो सकता है है ना एक्स्ट्रा वेगेंट हो सकता एक्स्ट्रा बहुत ही अच्छा मतलब माना जा सकता है तो गॉर्जियस का उल्टा क्या हो सकता है गॉर्जियस का मतलब तो ब्यूटीफुल भी होता है, है कि नहीं हाँ तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमको इसका क्या बताना है ऑपोजिट बताना है ऑपोजिट अप्रेज मतलब किसी की तारीफ करना हो नहीं सकता भी नेटिव तो बिल्कुल ही अलग हो गया नेटिव तो बिल्कुल अलग हो गया हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा डल ऑप्शन नंबर सी डल इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है हाँ चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हाँ सी इज द राइट आंसर गॉर्जियस फिर आता है कॉनकॉर्ड देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट करते हैं अपन कॉनकॉर्ड का मतलब आ, होता है एग्रीमेंट सहमति है, है ना तो इसका क्या हो गया टूटना डिस्कॉर्ड, तो कॉनकॉर्ड का डिस्कॉर्ड हो गया राइट वॉइस गई वॉइस ही चली गई राइट स्टार्ट हो गया क्या नाउ क्लियर ओके ओके नाउ क्लियर ओके ओके राइट वॉइस बीच में चली गई होगी कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ कॉनकॉर्ड का ऑपोजिट क्या हो जाता है डिस्कॉर्ड स्टेन अच्छा स्टेन का मतलब क्या होता है फटाफट से हम देखते हैं ये देखो ये आपका बर्थडे कब आता है सर आप यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम दे रहे हो क्या बर्थडे तो मेरा आज ही है हाँ राइट यूपीएससी ईपीएफ का तो अभी कब होता है एग्जाम चलिए स्टेन का मतलब अगर आपको पता हो तो स्टेन का मतलब होता है दाग लगना क्या होता है दाग हाँ किसी के चरित्र पर दाग लग जाना उसको हम क्या कहते हैं स्टेन कहते हैं तो इसका हमको क्या बताना है ऑपोजिट वर्ड बताना है क्या बताना है ऑपोजिट डिस्क्लर का मतलब क्या होता है कलरलेस हो जाना तो ये तो हो नहीं सकता है ना ऑनर ऑनर का मतलब होता है कि एकदम आ, अच्छा खासा जो है अच्छा सम्मान मिलना ऑनर होना ब्लेमिश का मतलब होता है फिर से अम क्या कहते हैं उसको बदनाम होना ब्लेमिश मतलब और डोरमेंट का मतलब क्या होता है डोरमेंट तो डॉर्मेंट का मतलब होता है एक नॉन एक्टिव पर्सन ठीक है नॉन एक्टिव बिल्कुल हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये अच्छा वर्ड है ये हाँ देखो डिस्ट्रेस का मतलब होता है पीड़ा पीडा मीन्स एंग्विश ठीक है एंग्विश एक वर्ड है जो एग्जाम में आ जाता है बहुत बार आ चुका होता है और सिनोनिम इसकी बात करें तो सफरिंग या फिर पेन हो सकता है दर्द जिसको कहते हैं बहुत भारी दर्द और एंटोनिम की बात करें तो हैप्पीनेस खुशी कह, कह, कहते ही है टू हिज डिस्ट्रेस ही सो डेट शी वॉज हिज डिस्ट्रेस का मतलब उसकी इतनी पीड़ा थी कि वो क्या है कि शी बहुत ज्यादा क्या है ट्रेम्बल कर रही थी नेक्स्ट वर्ड सिविलाइज्ड बहुत अच्छा वर्ड है ये वैसे सिविलाइज्ड देखो सिविलाइज्ड का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छा वेल ड्रेस्ड वेल कोम पर्सन जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविलाइज मतलब कि बहुत ही आ, अच्छा दिखने वाला और एकदम आ, क्या कहते हैं उसको नोबल पर्सन सभ्य पर्सन कह सकते हैं सिविलाइज्ड को ठीक है डिस्ट्रेसिंग का मतलब जो होता है यानी कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला अलाइव का मतलब क्या होता है जिंदा सेवेज का मतलब होता है जंगली क्या होता है जंगली तो इसका आंसर क्या है हमारा जंगली है और ब्रीफ का मतलब संक्षेप में छोटा करके करना है नहीं? तो इसका आंसर क्या है यहां पे सेवेज ऑप्शन नंबर सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंटोनियम का मतलब ऑपोजिट ये जरूर ध्यान रखिएगा फिर नाम आता है ग्लूमी का अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि ग्लूमी का मतलब क्या होता है एकदम ही सैड उदास मुंह पूरा उतरा हुआ पर्सन है ना जैसे हमारी जब तबीयत खराब हो जाती है तो हम ग्लूमी हो जाते हैं राइट right है है ना तो उसी तरह से इसका ऑपोजिट वर्ड हमको बताना है ऑपोजिट क्या होता है देखिए डिस्ट्रॉय का मतलब तो खत्म होना तो ये तो नहीं होगा स्पाइटफुल का मतलब होता है जोश आना वही इसका मतलब है स्पाइटफुल मतलब खुश खुशी से जोश आना बिल्कुल यूजलेस का मतलब बिल्कुल ही खराब और गे का मतलब आप सब जानते ही हैं लड़का और लड़के के बीच में जो प्रेम होता है उसको हम उस पर्सन को हम गे बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओडेसिटी ओडेसिटी एक वर्ड है आरजेएस में एम में डीजेएस में और गुजरात में चारों में आ रखा है क्या नाम है डीजेएस में भी है ना ऑडोस ओडेसिटी ओडेसिटी का मतलब होता है कि निडर होना निडर ठीक है निडर मतलब जिसे बिल्कुल भी डर ना लगे बोल्ड पर्सन ठीक है बोल्ड करेजियस देखो अपनी जो क्लास होती है वो कैबलरी की वो कैसी होती है जब सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग वर्ड आपके हिसाब से भी बताते हैं तो बिल्कुल मैं चाहूंगा वैसे ही आप सभी करें तो ओडेसिटी का मतलब होता बोल्ड करेजियस है ना तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमको बताना है तो देखते हैं डिसजॉइन का मतलब क्या होता है जो किसी से जॉइन ना हो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी ठीक है स्टबर्न ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है स्टबर्न यानी कि जिद्दी पर्सन एक बहुत ज्यादा हाँ। टिमिड का मतलब क्या होता है यहां पे डरपोक टिमिड इसमें कोई भी तरीका जो है हाँ, कोई भी तरीका करेज नहीं हो निडर, मतलब क्या कहते हैं डरपोक पर्सन उसको कहते हैं टिमिड और बैबल का मतलब क्या होता है साउंड होता है एक क्या होता है साउंड बैबलिंग छोटे बच्चे तो वो हो नहीं सकता नेक्स्ट क्वेश्चन शैबी ओ हो शैबी का मतलब क्या होता है तो चलिए बताते हैं आपको शैबी का मतलब होता है अपूअर एक्चुअली शैबी का मतलब एक तरह से कह सकते हैं गरीबी क्या कह सकते हैं गरीबी हां पुअर कंडीशन हाँ दाल रोटी के भी पैसे नहीं है बहुत ही ज्यादा शैबी हो चुका हूं ऐसे कुछ लोग बोलते हैं वही है शैबी नहीं बोलते हैं बहुत गरीब हो चुका हूं कर्जे में डूब चुका हूं पूरा सर से लेके पांव तक वही वाला है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा खुशहाली प्रॉस्पेरस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है लॉन्ग हो नहीं सकता पॉपर का मतलब भी यही होता है है ना पॉपर मतलब एक गरीब पर्सन और एडवांस का मतलब क्या है जो हमेशा आगे चलता है तो इसका आंसर क्या है यहां पे ऑप्शन नंबर ए प्रॉस्पेरस जब मैं आ, जब हमारी आ, सर्दियों की छुट्टी होती थी विंटर हॉलीडेज तो टीचर हमेशा ऐसा बोलती थी कि विश यू अ वेरी विश यू क्रिसमस एंड विश यू a वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर इस तरह का कुछ बोलते थे बिल्कुल अब बात करते हैं इंडिजेंट बिल्कुल शेबी का मतलब इंडिजेंट भी हो सकता है क्या हो सकता है इंडिजेंट बिल्कुल सही है इसका आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन टीडीएस ओ हो टिडियस एक बहुत अच्छा वर्ड आया है इसको हम करेंगे हम ऑड वन आउट करके क्या करेंगे ऑड वन आउट करके टीडीएस का मतलब होता है एक बहुत ही स्लो पर्सन क्या है बहुत ही ज्यादा स्लो पर्सन हाँ। यानी कि बहुत ही ढीला किस्म का आदमी को कह सकते टीडियस। आ, टीडियस का एक और वर्ड बताता हूं मैं आपको टायर सम ठीक है सम के अलावा इसका वर्ड होता है जो बहुत ही ज्यादा जल्दी थक जाए तो थकने को हम क्या कहते हैं हिंदी में थकान को इंग्लिश में क्या कहते हैं ऐसा ही कुछ नॉट एक्टिव कह सकते हैं एक वर्ड आया था आरजेएस के एग्जाम में पिछले साल लिथार्जिक क्या आया था लिथार्जिक जब लिथार्जिक आ सकता है तो टीडीएस क्यों नहीं आ सकता भाई? है ना? एक और वर्ड बताता हूं फटीक फटीक का मतलब भी यही होता है तो यहां से वर्ड क्या हो गया एक्टिव ठीक है ये सब क्या है नेगेटिव वर्ड्स है थकने वाला जल्दी उसका ऑपोजिट क्या हो गया यहां पे टायर्ड टायर्ड tired, टायर्ड tired. Tired भी तो हो सकता है इसका ऑपोजिट क्या हो गया एक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन ओ माई गॉड सी हु इज हियर हा वीरेंद्र सहवाग बहुत ही शानदार बैट्समैन है ये हा विरुलेंट विरूलेंट का मतलब था उग्र तीखा ओ हो हो संक्रामक ऑफ अ डिजीज यानी कि मतलब कि फटाफट से जो फैल जाए उसको हम क्या कहते हैं यहां पे वेरुलेंट कहा जाता है सिनोनिम की बात करें तो बैड बिची कैटी क्रूअल डिस्पाइटफुल मेलिवलेंट मेलिशियस मेलिग्न मेलिकेंट मीन नेस्टी, स्पाइटफुल विशियस हेडफुल ये सब के सब क्या होते हैं यहां पे विरुलेंट वर्ड होते हैं ठीक है हा इसका ऑपोजिट विरुलेंट अटैक उग्र अटैक मतलब बहुत ही ज्यादा फास्टली अटैक करना और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा benivalent. ये सारे नेगेटिव वर्ड है और इसका अच्छा हो जाएगा बेनिवोलेंट और बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है काइंड एक अच्छा खासा दयालु पर्सन जिसको कहते हैं ठीक है ठीके? हाँ बेनिंग बेनिग्नेट लविंग या फिर अनमेलिशियस ये जो वर्ड है इनको आपको ब्लैक बुक में लिखना है क्योंकि हां क्योंकि स्पाइटफुल का मतलब यहां पे फैलने से है डिजीज फैलने से स्पाइट का मतलब ये भी हो सकता है फटाफट से ये वाले वर्ड आपको ब्लैक बुक में लिखने हैं क्योंकि इनमें से ही आपके एग्जाम में आएंगे अब इससे ज्यादा आप क्या बोलू मैं आपको ठीक है हुँ. नेक्स्ट देखते हैं कैंडिड बहुत अच्छा वर्ड है ये कैंडिड वैसे चलिए देखते हैं हाँ कैंडिड का मतलब एक्चुअली होता है कि बहुत ही ज्यादा किसी की बात मानने वाला या घुल मिल जाने वाला ठीक है जैसे ही बच्चे को कैंडी देते हैं बच्चे छोटे बच्चे को कैंडी देते हैं तो वो आपके साथ कैंडिड में आ जाता है यानी कि घुल मिल जाता है यानी कि फ्रैंक हो जाता है तो इसका आंसर तो ये फ्रैंक हो नहीं सकता क्योंकि हमको तो इसका ऑपोजिट बताना है ठीक है नहीं सिविलाइज्ड मतलब एकदम सही सही तो ये भी नहीं हो सकता आउट स्पोकन मतलब वापस फ्रैंक टाइप ही होता है और इनफॉर्मल का मतलब यहां पे क्या होता है जो बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं इनफॉर्मल तो तड़ाक वाला बात करने वाला यानी कि सही से बात नहीं करे फ्रेंकली नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं ये कहा जाता है पी में सारा आता है जो भी मैं आज कराऊंगा ना आपको एमपीसीजे में पूरा आता है तो बेफिकर रहे हाँ एक होता यहां पे, आ, साइको फेंट। साइको फेंट आ, है यहां पर साइकोफेंट साइकोफेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये साइकोफेंट का मतलब होता है झूठी प्रशंसा क्या होता है झूठी प्रशंसा ठीक है का मतलब होता है तबाही तो तबाही तो नहीं होता है ना एक तो होता है झूठा सब कुछ झूठा बताना तो उसको तो साइकोफेंट बोलते हैं और इसका ऑपोजिट होता है डिवोटेड डिवोटेड सच्चाई devoted का मतलब होता है पूरी पूर्ण तरह से डिवोट रहना उसको तो क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कहते हैं ऑटोक्रेट का मतलब तो क्या होता है कि आ, जो एकल सरकार जिसकी होती है जैसे हिटलर वॉज अ ऑटोक्रेट पर्सन और कंफर्ट का मतलब एकदम लग्जरी टाइप कंफर्ट देना आपको नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ईज सिंपल ईज का मतलब होता है इज़ी और इसका ऑपोजिट क्या होता है डिफिकल्टी ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करना है अपन है ना आगे बढ़ते हैं डिस्करेजमेंट डिस्करेजमेंट का मतलब क्या होता है किसी को आ, हौसला नहीं देना है ना उसको दबाना ठीक है दबाने को हम क्या कहते हैं बहुत भारी बहुत अच्छा वर्ड है अंडरमाइंड करना वेरी गुड क्या होता है अंडरमाइंड और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा एनकरेजमेंट एनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है हौसला देना किसी को इरिटेट तो गलत ही वर्ड हो गया एंथुसियाज्म का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एकदम जोश होना और परमानेंट का मतलब हमेशा ठीक है नेक्स्ट Rebellious, rebellious का मतलब यहाँ पे क्या होता है विद्रोही रिबेलियस हमेशा जो गुस्से में रहता है लड़ाई करता रहता है उसी को हम शायद रिबेलियस कहते हैं तो इसका ऑपोजिट क्या होगा देख लेते हैं हेराल्ड तो नहीं हो सकता ठीक है सबमेसिव एक तो होता है क्रांतिकारी यानी कि जो हम कभी भी किसी की बात नहीं मानता और एक होता है सबमेसिव जो सबकी बात मानता है कि इस वर्क। वो हमेशा सबेसिव है उसके वर्ड्स के लिए डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है यहां पे बर्बाद कर देना खत्म कर देना और एडवांस का मतलब आगे जो चलता है बिल्कुल ये वर्ड है अपने चलिए नेक्स्ट देखते हैं थिक थिक मींस मोटा थिन मतलब पतला एक मोटा आदमी थिक हो गया थिन बात खत्म हाँ ऑप्शन नंबर डी सिंपल सा था इसलिए आगे बढ़ते हैं हाँ ओहो हो देखो तो कौन आया है आ, हमारी क्लास में अक्सर बहुत सारे लोग आते रहते हैं तो अभी कौन आया है करीना कपूर एंड सैफ अली काम तो नहीं यार ये। शायद कपूर है तो यार मतलब क्या होता है चलिए देखते हैं एफरवेट का मतलब यहाँ पे है कि विवेशियस एंथुसियास्टिक विवेशियस का मतलब होता है जिंदा दिल हमेशा जो खुश खुश रहता है तो आपने देखा ही होगा है ना गीत नाम है इनका पिक्चर का नाम गैस कर सकते हो क्या आप इनका नाम तो गीत है और इनका नाम क्या है भूल गया मैं राइट हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है एफर विसेंट नेक्स्ट वर्ड एक्सेप्ट कुछ लोग एक्सेप्ट होते हैं टैक्स के लिए तो छूट होना फ्री फ्रॉम टैक्स कह सकते हैं किसी चीज का जो है एक्सेप्ट होना उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेड स्पेयर्ड यानी कि आप उस चीज से क्या है अलग है वेरी गुड बिल्कुल सही बताया है जब भी मैट इसका इस पिक्चर का नाम है और एक्सेप्ट का ऑपोजिट हो जाता है लायबल टू बिल्कुल नेक्स्ट हाँ कंसर्नेशन ठीक है कॉन्स्टर्नेशन कहा जाता है कंसनेशन का मतलब क्या होता है घबराहट होना ठीक है घबराहट व्याकुलता सनसनी, ठीक है? तो देखो यहां पे, भागो गब्बर जब आ जाता है तो एकदम से घबराहट तो हो ही जाती है अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट अनएक्सपेक्टेड जी बहुत अच्छा वर्ड है ये हाँ कंसर्नेशन टी साइलेंट है इसमें हाँ लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर्स वेन दे कम टू रेड बिल्कुल सही है चलो नेक्स्ट देखते हैं हाँ ये एक बहुत अच्छा वर्ड है जो दो हजार तेईस में बहुत ज्यादा चल रहा है इमेसिलिटी इमेसिलिटी का मतलब होता है जब कोई आ, बहुत बुजुर्ग हो जाता है ओल्ड हो जाते हैं तो हमारे अंदर वीकनेस आने लग जाती है ना मसल्स लूज हो जाती है काम करने का मन नहीं करता मतलब पूरे दिन जो है हमारे अंदर वीकनेस लगती है उसी को हम क्या कहते हैं इम्पेसिलिटी कहा जाता ना 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 ये वो नहीं है हाँ वो अलग चीज है ये ये इम्पेसिलिटी मतलब ओल्ड एज के अंदर अः सटियाना टाइप होता है स्टूबिट स्टूबिट थिंग्स करते हैं जब हम ये वो वाली इम्पेसिबिलिटी है तो इम्पेसिबिलिटी का अच्छा ये देखो वेट सिनोनिम स्टार्ट हो गया है ठीक है सिनोनिम्स यहां देखो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है सिमिलर वर्ड्स तो इमेसिलिटी का सिनोनिम क्या होता है स्टूपिडिटी बिल्कुल इसका मतलब यही होता है ओल्ड एज में राइट हाँ. right. फिर देखे अगला क्वेश्चन हा एंट्रीग्यू ठीक है इंट्री कह सकते हैं इसको इंट्रीग्यू कह सकते हैं इसका मतलब होता है आ, किसी की पावर्स को जगाना आपको अगर पता हो तो जब आ, अभी तो लेटेस्ट आदि पुरुष मूवी चल रही है आपको पता ही है तो जब रावण को हाँ रावण के वहां पे जाना था हनुमान को तो उनके पास शक्तियां भूल चुके थे वो है ना तो फिर किसने हाँ उनकी पावर्स का इंट्र्यू कराया प्लॉट करवाया क्या कराया प्लॉट करवाया बताया उनकी पावर्स को जगाया और फिर वो क्या है हाँ लंका तक एक ही छलांग के अंदर पहुंच गए उड़ के तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी प्लॉट है ठीक है हाँ अलग है थोड़ा सा लेकिन यही इसका आंसर है नेक्स्ट हाँ इंटीमिडेट इंटीमिडेट का मतलब होता है एकदम से डरना बहुत ही ज्यादा जो है डर जाना फियर एक्सट्रीम फियर कह सकते हैं इसको इंटीमीडिएट का मतलब क्या हो सकता है एक्सट्रीम फियर तो इसका आ, इसका सिमिलर वर्ड क्या है यहां पे फ्राइटन है बस सिंपल हाँ अगर इसका ऑपोजिट पूछते तो अपन काम डाउन कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी फ्राइटन नेक्स्ट वर्ड अब देखो एंटोनिम हो गए हैं सिमिलर वर्ड बताने हैं अपन को सिमिलर वर्ड बहुत ईजी होते हैं जैसे देखो ये वाला बेनिवोलेंट बेनिवोलेंट का सिमिलर वर्ड बताना है तो अगर मैं आपको बात कहूं हेल्पफुल का मतलब भी जो मदद करता है हो सकता है बिल्कुल ये भी इसका सपोर्टिव हेल्प करता है ये भी हो सकता है बेनिफिशियल मतलब लाभदायक है ये भी हो सकता है और डी काइंड मतलब दयालु तो बेनिवोलेंट का मतलब ये चारों हो सकते हैं लेकिन जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी काइंड ठीक है सबसे सही आंसर बाकी ये तो पर्यायवाची सब चारों ही है एक तरह से कह सकते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हा देखो डेस्पिरेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी फीलिंग कि अब कुछ नहीं हो सकता अब तो मैंने सब चीजें छोड़ दी है जैसे समझ लीजिए अपन प्रीलिम्स के एग्जाम में फेल हो गए मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं क्या होगा मेरा है ना ये सारी जो बातें हैं वो किसमें आती है डेस्पिरेशन में आती है, है. यानी कि होपलेसनेस उसको बेचारे को कोई होप ही नहीं है खत्म फैसिनेशन का मतलब होता है एकदम ही एकदम शानदार फैसिनो टाइप फैसिनो करके गाड़ी भी आती है स्टाइलिश कहते हैं उसको ठीक है डिप्रेशन मतलब भी यही हो सकता है है ना और जुबिलेशन का मतलब एकदम चार चांद लग जाना जुबिलेशन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफेक्ट होना चलिए इसका आंसर बताएं फटाफट से जब तक मैं पानी पी लेता हूँ फटाफट बताएं डिफेक्ट का मतलब बताना है सिमिलर वर्ड आजकल क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो है सिमिलर वर्ड की जगह एंटोनिम करके आ जाते हैं देखते हैं आ, डिफेक्ट का मतलब होता है कोई कमी होना ठीक है डेलिकेट का मतलब तो होता है एकदम सही सही डेलिकेटली। इसको डेलिकेटली हैंडल करना है हमको लॉस मतलब क्या होता है यहां पे? जस्ट अ सेकेंड है ना हाँ लॉस का मतलब तो क्या होता है कि लॉस हो जाना आ, मतलब कि हाँ ये इसको नाजुक कह सकते हैं बिल्कुल वेरी गुड नाजुक वेरी गुड ऐसे ही हिंदी मुझे बताते रहा करो बहुत अच्छा रहता है और हाम का मतलब क्या हानि पहुंचाना क्षति राइट और शॉर्टकमिंग जो है इसका मतलब होता है कोई चीज आपके पास आई है बट इट इज शॉर्ट कमिंग यानी कि ये क्या है इसमें कमी है और उसी को हम क्या कहते हैं डिफेक्ट है कमी मतलब डिफेक्ट भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ओ माई गॉड देखिए कौन आया है ठीक है एक वर्ड है स्कैम्पर ठीक है ये स्कैम से रिलेटेड नहीं है स्कैम्पर का मतलब होता है फटाफट से भाग के दौड़ना ठीक है हाँ यानी कि स्पेशली ऑफ अ स्मॉल एनिमल और चाइल्ड रन विद क्विक लाइट स्टेप्स स्पेशली थ्रू फियर और एक्साइटमेंट ठीक है कभी कभी डर के मारे एकदम से फास्ट फास्ट भागते हैं कुछ बच्चे वही चीज का मतलब क्या होता है स्कैम्पर होता है जैसा कि आप ये देख रहे हैं इनको फोटो के अंदर बहुत अच्छा वर्ड है नेक्स्ट वर्ड हाँ Conundrum. देखो कॉनड्रम का मतलब होता है कोई तरह की आ, छोटी समस्या भी हो सकती है बड़ी समस्या भी हो सकती है तो भाई इससे अच्छा प्रॉब्लम ही बोल दो इतना बड़ा वर्ड बनाने की क्या जरूरत है लेकिन क्या करें ये स्पेलिंग में आ जाता है ओ एन यू एन डी आर यूएम कॉनड्रम कहा जाता है इसको यानी कि एक कोई प्रॉब्लम समस्या डिफिकल्टी क्वा इसका ऑपोजिट क्या हो गया यहां पर सॉल्यूशन सिंपल सा ठीक है नेक्स्ट वर्ड हाँ जेलेस का आ बताना है हमको सिमिलर वर्ड पर्यायवाची बताना है जेलेस का तो बहुत सिंपल है रिग्रेटफुल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बुरा रखना रिग्रेट होना किसी चीज का कभी हमने कोई काम उल्टा कर दिया या गलती से हो गया और उसका हमको रिग्रेट हो रहा है रिग्रेटफुल है रिमोट्स का मतलब होता है दुख मनाना ठीक हा किसी की समझ डेथ हो गई तो हम वहां पे रिमोट्स में है यानी बहुत ज्यादा दुख में है और एनवीएस का मतलब यहां पे क्या होता है जेलिस। मैंने आपको बताया भी था एक एनवी वर्ड बहुत खतरनाक है, है कि नहीं एनवी का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल पे जलन जब किसी का हस्बैंड किसी लड़की से बात कर लेता है तो जब उसकी वाइफ को जो जेलेसी होती है उसका हम क्या बोलते हैं एनवी ये मैं क्यों बता रहा हूं कि उन वाइफ के लिए ही ये शब्द बना है ठीक है ध्यान रखिएगा का मतलब क्या होता है दुखी राइट right. वहीं से ये वर्ड आया है वहीं से एनवीएस आया है हाँ और जेलेसी तो सबको ही होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एनवी नाम का एक परफ्यूम भी आता है आपको पता हो तो हाँ जलने के लिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्रूड अच्छा क्रूड मतलब कच्चा होता है है ना क्रूड ऑयल कच्चा ऑयल अनरिफाइंड ऑयल सिनोनिम बताना था सिनोनिम बता दिया भाई अनरिफाइंड ऑयल नेक्स्ट फटीक देखो मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि फटीक का मतलब होता है कि जल्दी थकना है ना थकान होना देखते हैं इसमें कौन सा है ड्राउस Drows, ड्राउसीनेस का मतलब तो होता है नींद आना यानी कि पूरे टाइम जो है सोता ही रहता है बहुत ज्यादा टू मच ऑफ है जिसको बहुत ज्यादा नींद आती है उसको हम क्या कहते हैं ड्राउजीनेस और फटीक का मतलब होता है वियरीनेस यानी कि थकान टेंशन मतलब तो वो टेंशन जो होता है ना अच्छा साल भर पढ़ा एग्जाम में तो कोई टेंशन नहीं है छह महीने पढ़ा कोई टेंशन नहीं है और दो महीने बाद ही एग्जाम है कोई बात नहीं कर लेंगे अब हम कर लेंगे और एक महीना बाद एग्जाम है अपना तो और पंद्रह दिन ही बचे हैं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता छोड़ो इसको ठीक है तो हम साल भर से ऐसा हर स्टूडेंट का केस है सिर्फ आपका नहीं सभी का है वो ऐसा तो बेफिक्र रहे ठीक है हाँ स्वेटिंग का मतलब क्या होता है जो स्वेट जब अपन एक्सरसाइज करते हैं जो अपन करते नहीं है वो नेक्स्ट निमेसिस निमेसिस एक बहुत अच्छा वर्ड है निमेसिस एक लीगल वर्ड कह सकते हैं हम और निमेसिस का मतलब होता है दंड दंड मींस क्या होता है यहां पे पनिशमेंट क्या होता है पनिशमेंट राइट अब इसका सिनोनिम बताना है लो ऑप्शन नंबर बी ये तो सीधा सीधा ही हो गया चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हाँ राइट जब तक हम देख लेते हैं यहां पे सब सही तो चल रहा है हाँ, क्या है कि अभी अः यहां पे थोड़ा नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है ना इस वजह से तीन दिन से क्लासे किसी की टाइम पे नहीं हो रही है इसीलिए हाँ ऑबनोक्शियस ऑपनोक्शियस एक बहुत अच्छा वर्ड है लेकिन वर्ड का मीनिंग थोड़ा गड़बड़ है ऑपनोक्शियस का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है वन वर्ड में काम होता है अपनोक्शियस मीन्स अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है मतलब कि अच्छा ना लगना कभी कभी हम क्या है कि आ, जैसे हमको बुखार आ जाता है है ना हमको कोल्ड हो जाता है तो कितना अजीब सा लगता है हर चीज खराब लगती है उसी चीज को हम क्या कहते हैं ऑबनोक्शियस कहते हैं तो इसका सिनोनिम बताना है हमको हाँ अब इसका सिनोनिम एक्चुअली में विजिबल तो होता नहीं है ड्रीमी भी नहीं होता है और डेयरिंग भी नहीं होता तो इसका आंसर अपना ऑडवन आउट करके क्या निकला ऑफेंसिव निकला वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेडिटेबल देखो ये मैं नहीं बताऊंगा पहले आप बताएंगे उसके बाद फिर मैं आपको इसका बताऊंगा क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है जल्दी से बताएं फटाफट से अच्छा वर्ड है ये क्रेडिटेबल राइट ओके टू रिपे अ लोन यानी कि जो रिपे कर सकता है लोन को फिट टू बी बिलीव यानी कि जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं एबल टू लैंड मनी यानी कि जो दे सकता है और ब्रिंगिंग प्रेज यानी कि प्रशंसा लेके आना तो लगता है एबल टू लैंड मनी लेकिन इसको अब मैं सेंटेंस में बोल के बताता हूँ ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड अ क्रेडिटेबल पर्सन यानी कि ये विश्वास पात्र है ठीक है, क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है विश्वास पात्र विश्वास पात्र का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा फिट टू बी बिलीव ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है बहुत महंगी चीज है जिसको हम खरीद ही नहीं सकते हैं ट्रस्ट वो चीज क्या है यहां पे? क्रेडिटेबल है नेक्स्ट वर्ड हाँ, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं लोगों पे ट्रस्ट होना हो लेकिन फादर एंड मदर है आए हैं, तो। हाँ। हैं बार बार बन के देखो तो सर यहाँ पे ओ माई गॉड और ये बंदर कौन है अच्छा विराट कोहली है ये तो हाँ विराट कोहली की फोटो है ये तो विराट कोहली के बाल काट रहे देखो भैया अब तुम ही संभालो कैप्टेंसी हाँ लेकिन संभाल नहीं पाए भैया चलो कोई बात नहीं चलिए देखते इसका मतलब रेलिन क्विश का मतलब होता है त्यागना रेलिन का एक और मतलब होता है एबडिकेट ठीक है एबडिकेट क्या होता है जब राजा या रानी जब अपना आ, त्यागते हैं ठीक है हाँ और रेलिन का मतलब त्यागना या फिर अलग करना जैसे वॉलेंट्री सीज टू कीप क्लेम या फिर गिव गिव अप अप कर देना उसको भी हम क्या कहते हैं रेल कहा जा सकता है सिनोनिम की बात करें तो सीड डिलीवर गिव अप हैंड ओवर ले डाउन सरेंडर या फिर रेंडर पिक तो बहुत अच्छी है बिल्कुल और एंटोनिम की बात करें तो रखना कीप रिटेन विथ होल्ड ये सारी की सारी चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, चलिए देखते हैं ये कौन सही बताता है हाँ इसका रिनाउंस भी हो सकता है बिल्कुल त्याग करने को रिनाउंस भी बोलते हैं सिनोनिम बताना है अब्यूस का अब्यूस का इस कौन, रेज यूज या प्रेज तो मुझे बताओ एब्यूज का मतलब क्या होता है हाँ किसी को गाली गलोच करना तो प्रेज तो हो नहीं सकता यूज का मतलब तो क्या होता है यूज करना किसी चीज को इस्तेमाल करना रेस मतलब उठाना तो अपने आप ही आंसर क्या होगा स्कॉन तो स्कॉन का मतलब क्या होता है किसी को गाली गलोच करके बोलना अगर हमको पूछते हैं एब्यूज का एंटोनिम यानी कि उल्टा वर्ड बताओ तो उल्टा वर्ड क्या होगा प्रेस होगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मिटी हाँ ये वो चीज है मैंने क्या है इनबेसिलिटी बता दिया आपको इनबेसिलिटी का मतलब तो होता है जब थोड़ा सा सटिया जाना और इन्फर्मिटी का मतलब होता है जब कोई पर्सन होता है बूढ़ा व्यक्ति जिसके मसल्स वीक हो जाती है चल नहीं पाता प्रॉब्लम्स रहती है बहुत ज्यादा तो उसको हम क्या कहते हैं इन्फॉर्मिटी और ये हर ओल्ड एज का है देखो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं जितना जल्दी आप समझ पाओ ठीक है छोटा बच्चा होता है कहीं पे भी तेज भाग सकता है फुल स्पीड से उसके बाद फिर जब बड़े होते हैं अपन एडल्ट होते हैं है ना सॉरी हम अपने ब्रांड को नहीं भूल सकते तीन बालों वाला ब्रांड एम्बेडर फिर हमारे पास हंड्रेड परसेंट जोश होता है, है कि नहीं और उसके बाद फिर हम उसके भी बड़े हो जाते हैं ठीक है तो फिर हम काम धंधे में लग जाते हैं उसके बाद हमारी ओल्ड एज है ये हमारी लाइफ का पार्ट है ठीक है हाँ तीन से फिर पांच बाल हो जाते हैं फिर सारे के सारे बाल चले जाते हैं हाँ और उसके बाद फिर क्या है हाँ ये नीचे चले जाते हैं ठीक है तो ये हमारे लाइफ का पार्ट है और ये होके रहेगा कोई भी ये नहीं बदल सकता ठीक है इनएविटेबल है इनएविटेबल का मतलब डेट विच कैन नॉट बी चेंजड डेट विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड ठीक है होके ही रहेगा तो ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है वीकनेस होता है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट एविंस देखो एवेंस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा शो ऑफ टाइप करना ठीक है टू शो समथिंग एवेंस करना तो इसमें अच्छा डायरेक्ट है यहां पे आंसर ही डायरेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी शो राइट नेक्स्ट प्रेगमेटिक देखो मैंने आपको बता रखा है हा प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल जो बिल्कुल सही सही है प्रैक्टिकल है हा जैसे आप रोज के बीस वर्ड याद कर सकते हैं नहीं सर मैं तो क्या है सौ वर्ड करूंगा या करूंगी रोज तो ये इट इज इम इट इज प्रेग्मेटिक है ना प्रेक्टिकल नहीं है ये ठीक है इट इज नॉट प्रेगमेटिक तो इसका आंसर ये है लेकिन जो बीस वर्ड वाला है एक पर्सन नॉर्मल पर्सन बीस वर्ड याद कर सकता है दिन के राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लेज बहुत अच्छा वर्ड है ये ब्लेज एकदम से जो है आग उफल जाना आग लग जाना फायर ठीक है तो ब्लेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा फायर हो जाएगा सिनोनिम्स इजी होते हैं एंटोनिम थोड़े हार्ड होते हैं बिल्कुल सही है बीस वर्ड ही याद करना चाहिए डेली का ठीक है अगर कोई पर्सन सच में वो कैबलरी करना चाहता है तो मैं आपको बता देता हूं डेली के पांच इडियम्स करो ज्यादा नहीं है ना पांच इडियम्स ऐसा मत सोचना कि अच्छा आज बीस कर लेता हूं ताकि तीन दिन की गई नो गलत हो जाएगा पांच इडियम करने हैं और ट्वेंटी वर्ड्स बस सुबह सुबह उठ के कर लो डेली हो जाएगा का काम पीडीएफ भेज दूंगा मजा आ जाएगा ये वाला वर्ड बहुत अच्छा है डोसाइल देखो डोसाइल पर्सन जो होता है ना बहुत अच्छा होता है जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये पच्चीस वर्ड कर लेना आपने मेरी बात मानी तो आपका फायदा हो गया तो आप मानने वाले पर्सन हो डोसाइल पर्सन हो है ना यानी कि एक तरह से सबसे पर्सन हो आप वो अपनी ड्यूटी के लिए राइट इस तरह जी वही मैं आपको बता रहा हूं बीस वर्ड में से दस ही मेमोरी में फिट होते हैं क्योंकि तो उसको वापस रिवीजन करना पड़ता है अगर आप डेली बीस बीस करोगे ना तो वर्ड्स घूम के आएंगे मुझे पर्सनली इतने छोटे से दिमाग के अंदर दस हजार वर्ड से ज्यादा याद है मेरे को इंग्लिश के तो ऐसे ही थोड़ी ना याद हुए हैं है कि है नहीं थोड़ी सी मेहनत करी है तभी याद हुए हैं अब उसको कोई निकाल नहीं सकता अब जैसे ये वर्ड है समझ लीजिए स्टब बन स्टब बन के सिनोनिम्स में तीन चार बता सकता हूं है ना ऐसे कुछ फिर आगे आते माइजरी देखो एक तो होता है माइजरली क्या होता है माइजरली माइजरली का मतलब होता है आ, कंजूसी ठीक है कंजूस एकदम एक होता है माइजरी माइजरी का मतलब दुर्भाग्य होता है दुर्गति कह दो तो, हार्डशिप होता है देखो मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको समझिएगा इस बात को एक आदमी है जिसके साथ सिर्फ माइजरी हो रही है ठीक है फिर उसके बाद और माइजरी हो रही है बेचारा फेल हो गया लाइफ के अंदर और गरीबी हो गई लॉस हो गया नुकसान भी हो गया और गरीबी हो गई तो ध्यान रखना टाइम तो चल ही रहा है लेकिन जिसके साथ में माइजरी ज्यादा होती है उसको प्लेजर भी फिर इतना ही मिलता है वो भी जल्दी तो जब आपकी भी लाइफ में अगर गड़बड़ चल रही है तो आपके और गड़बड़ होनी पक्का है लेकिन फटाफट से ऊपर जाने के भी चांस क्या है पूरे पूरे हैं ऐसे नहीं है हंड्रेड परसेंट फुल परसेंट है ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये हाँ तो इसका क्या हो जाएगा ये सफरिंग या फिर एप्लीकेशन होता है माइजरी का मतलब नेक्स्ट कैप्शन इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, है ना फेसबुक व्हाट्सएप पे कैप फोटो के अंदर अपन डालते हैं कैप्शन तो उसको क्या कहते हैं टाइटल ही तो कहते हैं ये लो खत्म चलो आगे बढ़ते हैं है ना किसी ने अफवाह फैला दी इंस्टाग्राम बैन हो गया ठीक है हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ गए डिप्रेशन में आ गई लड़कियां मैं आपको क्या बताऊं आपको हाँ जी मैं पीडीएफ देता ही नहीं हूं हाँ तो आपको कैसे मिलेगी राइट रात है तो दिन भी होगा इज द थिंग अरे हाँ ये बहुत बढ़िया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन स्वैप ठीक है हाँ स्वैप का मतलब क्या होता है ठीक है पीडीएफ देने का मतलब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि एक स्टूडेंट को एक वो दे दो स्टिक दे दो कि इसको लेके चल लो खुद अपना आप चलेगा स्टूडेंट सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी बिना मेहनत के तो आप जज का एग्जाम दे रहे हो एलडीसी तो अपन दे नहीं रहे कि अपन याद करके रट के लिख लेंगे जज का एग्जाम है पंद्रह नंबर पक्के हैं अपनी क्लास से तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना है कि नहीं स्वैप करेंसी स्वैप होता है करेंसी एक्सचेंज होता है इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी ठीक है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है जी मैं तो डेली पढ़ता हूं जी मैं क्या क्या पढ़ता हूं मैं आपको बता नहीं सकता हूं बस इतना सा है ठीक है एवर्शन का मतलब क्या होता है देखो मैं आपको एक बात बताता हूं आई एम नॉट अ टीचर मैं बिल्कुल भी यहां पे आपका टीचर नहीं हूं टीचर शब्द से ही मुझे नफरत हो गई है जब से बेकार बेकार टीचर घुस गए अपने है कि नहीं हाँ जो सिर्फ अपने पैसों के पीछे खराब कर देते कचरा कर देते बच्चों का तो टीचर शब्द ही खराब है बिल्कुल ठीक है, आई एम अटोर जो आपके एग्जाम तक साथ में चलूंगा आपके है ना आई एम अ स्टूडेंटलिस्ट ये वर्ड मैंने ही बनाया स्टूडेंटलिस्ट और एक सबसे खास बात आपके साथ में कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूं तो जब स्टूडेंट स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो और भी शानदार होती है उसकी पढ़ाई ध्यान रखिएगा ठीक है तो एवर्सन का मतलब होता है आई हैव एवर्स ऑफ मीट एंड नॉन वेज यानी कि मुझे घृणा है घृणा घृणा का मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग कि ऑप्शन नंबर ए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वाओ ये बड़ा फेवरेट वर्ड है ये मतलब कि एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट वर्ड है इस एक वर्ड से हम बीस वर्ड सीखेंगे कितने बीस देखो एबिर एबिर का मतलब क्या होता है देखो यहां पे एबनॉर्मल और डेविएंट यानी कि जो चलते चलते रस्ते से भटक जाए उसको हम क्या कहते हैं हाँ. अरे वाह नोट हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया नोट करो आप मजा आ जाएगा हाँ, एक्सेप्शनल आज सा आपको सर ने कहा इट्स मीन एबिरेटेड एबनॉर्मल एबनॉर्मल एक्टिविटीज बहुत सारे लोग करते हैं वो है, पत ओ हो हो, पत को भ्रष्ट कर देना, राइट, right. ओके, okay. जी MPGK की रिकॉर्डेड क्लास पड़ी है अनयूजल या फिर अनवांटेड और जो एमपी जीके है आ, थोड़ी सी भी नोटिफिकेशन आए ना एमपी का तब हम स्टार्ट करेंगे ठीक है करा मैं पांच दिन में दूंगा विथ एमसीक्यू सेशन पूरा का पूरा लेकिन वो वैकेंसी आएगी तब हो पाएगा एंटोनेम की बात करें तो कॉमन कस्टमरी नॉर्मल ऑर्डिनरी टिपिकल अनएक्सेप्शनल एकदम शानदार अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर यूजुअल। तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड्स है ये कौन है भाई ये छोटे बच्चे दुम्रबान कर रहे हैं और ये जो छोटी है लेकिन इसकी बड़ी बहन है इसको सिखा रही है देखो इसको इतने बदमाश और नकटे स्टूडेंट्स और नकटे बच्चे हैं देखो यहां पे नोटोरियस राइट चलिए देखते हैं क्या वर्ड है इसका एबेट एबेट का मतलब यहाँ पे होता है अपराध में सहायक है कि नहीं अपराध करने वाले को सहायता देना किसी को एनकरेज करना है कि नहीं अरे क्या हो गया सिगरेट ही तो पी और तू भी पी भाई हाँ ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं हर एक जना खुद से नहीं बिगड़ता है उसके दोस्त ही बिगाड़ते हैं ठीक है थीके? तो सेम वही चीज ही हिम ठीक है तो असिस्ट यूजुअली इन डूइंग समथिंग रॉन्ग गलत करने में इंसाइट करना इंसाइट मतलब उत्साहना उसको हा ब्रू मेंट फॉर्मेंट इंस्टीगेट करना हाँ एबेटमेंट देखो मैं आपको बताता हूं मैंने क्या है कि अभी लॉ की किताबें पढ़ता रहता हूं मैं तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 107 में एबेटमेंट का केस है ठीक है याद रखना है ये चीज हाँ, एंटोनियम की बात करें तो ब्रिडल ब्रिडल का मतलब क्या होता है लगाम चेक रखना एकदम हर चीज पे ध्यान रखना Careful रहना, एबेट में नहीं आना नेक्स्ट अरे ये तो बाबू भैया है अपने हाँ, देखो बाबू राव सर 40% परसेंट सैलरी हाइक चाहिए मेरे को 40% परसेंट सैलरी हाइक चाहिए इस भाई को अगले हफ्ते हाथ मुंह धोकर आना फिर देखते हैं एबियंस तो एबियंस का मतलब क्या होता है आ, स्थगी ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है हो गया, गया। ठीक है, एबियंस मतलब क्या होता है सस्पेंडेड एक्शन यानी कि अगले हफ्ते देखते हैं तो सस्पेंडेड एक्शन है यानी कि हाँ भी ना बोलना ना भी ना बोलना बाद में देखेंगे ठीक है हाँ। फिर देखें आगे केयरफुली इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी अब देखो वर्ड आ गए हैं ठीक है वर्ड आ गए हैं तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही केयरफुल रहता है ठीक है कि इतना खर्चा नहीं करना इतना टाइम यहां पे नहीं देना है ना ये सारी चीजें तो उसको हम इकोनॉमिकल कहते हैं ही इज अ ही इज एन इकोनॉमिकल पर्सन यानी कि वो हर चीज जो है देख देख के काम करता है समय का जो है बहुत ध्यान रखता है पैसों का बहुत ध्यान रखता है नेक्स्ट रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड वर्ड जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा आपने वापस बोला तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं वर्बटिम ठीक है वर्बटिम थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा एक बार थम्सअप दे दीजिए तो थोड़ा फास्ट हो जाऊं मैं वर्बटिम का मतलब होता है स्पोकन और एज इट इज वर्बोस का मतलब होता है बातुनी जो बहुत ही ज्यादा बातें मारता है जैसे आ, लोकेशियस वर्ड हो गया है ना इंट्रोवर्ट का मतलब भी वर्बोस कह सकते हैं एक बार वर्बीएच का मतलब होता है कि जहां पे कम वर्ड्स की नीडेड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ के बताना ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो तो आपका क्या है कि एक अच्छे से बन जाता है एक वेल ऑर्गेनाइज क्लासेस मिल जाती है देखो प्लस का क्लास लोगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा ये सब मिलेगा ये है हमारे हम ये कराते हैं वो कराते हैं सब्सक्रिप्शन आपको ले लो इसको हम क्या कहते हैं वर्बीएज ठीक है वर्बलिज्म का मतलब क्या होता है और सेंटेंस लिटिल और नो मीनिंग द वे इन विच बोलना बिल्कुल फिर देखें एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक ऐसी इमेज जिसमें कोई तरह की रियलिटी नहीं है उसको हम क्या कहते हैं सेंसेशन हेलुसिनेशन या फिर शेड्यू चलिए देखते हैं कौन बताता है जी हरियाणा एडीए का तो दो महीने पहले ही स्टार्ट हो गया है खत्म तो ही हो गई वो तो सीरीज ही हां उत्तराखंड मेंस की कब की दीदी अभी शेड्यूल हुई नहीं है अभी तक क्लास आज फिर बात करता हूं मैं ठीक है इसका मतलब होता है हेलुसिनेशन है यानी कि एक इमेज है लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है जैसे ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ठीक है और उटोपिया का मतलब होता है अ परफेक्ट प्लेस अ परफेक्ट प्लेस का मतलब जहां पे सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो स्वर्ग ठीक है नेक्स्ट हेवन अ प्लेस ऑफ गवर्नमेंट या फिर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी रूल देखो अगर कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी राज करती है हमेशा उसको हम कहते हैं टोटेली ठीक है टोटेली यानी कि ऑप्शन नंबर बी डिक्टेटरशिप का मतलब होता है ऑटोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक जने की सरकार थियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय प्रिस्ट गवर्नमेंट बाय प्रिस्ट और ओलिगार्ची का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल क्या होता है

आपके पास जो किताब है ठीक है हाँ उसके कंटेंट्स क्या है क्या है कंटेंट्स और कंटेंट्स का मतलब क्या होता है आ, उसमें मतलब उसके अंदर कोर्स रिलेटेड ठीक है किताब में कंटेंट्स क्या है ठीक है अब यहां पे हम बात करते हैं कंटेंट की ठीक है कंटेंट तो कंटेंट का मतलब ये नहीं होता है अपन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ऐसे का कंटेंट ये क्या होता है भाई नहीं है वो कंटेंट्स होता है कंटेंट का मतलब होता है सेटिसफाई या फिर प्लीज क्या होता है सेटिसफाई या फिर प्लीज और उसका ऑपोजिट क्या हो गया डिसकंटेंटेड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इन डिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन गौतम बुद्ध को तो जानते ही हो आप तो वो इस तरह के पर्सन थे यानी कि ना तो कोई तरह का दुख ना कोई तरह का सुख एकदम मतलब खत्म ठीक है इन डिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन यानी कि ना तो प्लेजर की कोई बात है ना पेन की कोई बात है देखते हैं हाँ टॉलरेंस स्टोइसिज्म रेडिकलिज्म या फिर राइट right. इसका आंसर क्या है यहां पे स्टोइसिज्म क्या होता है ऑप्शन नंबर बी स्टोईसिसम एक पर्सन होता है स्टोइक इसमें कोई भी तरह की आ, दर्द या भावना नहीं होती है नॉर्मल ठीक है हाँ फिर अगला टॉलरेंस का मतलब होता है यानी कि इतनी मेरी टॉलरेंस पावर है रेडिकलिज्म का मतलब होता है रेडिकल और परिवरेंस का मतलब होता है लगातार किसी चीज को काम करना पेशेंस एंड परजिवरेंस ठीक है जो भी स्टूडेंट मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं दो दिन पढ़ाई करी चार दिन पढ़ाई करी उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी ठीक है तो वो कभी भी पास नहीं हो सकता मैं आपको बता रहा हूं परजिवरेंस जिसके पास होगा वो हंड्रेड परसेंट पास होगा चाहे वो कितना ही वीक स्टूडेंट क्यों ना हो पेशेंस रखना और परजिवरेंस रहना पार करेगा ठीक है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग बिल्कुल मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं लाइफ जो है लाइफ हमारी लाइफ का मतलब होता है प्रॉब्लम क्या होता है problem. जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है उसकी लाइफ ही नहीं है मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं तो प्रॉब्लम आती है हर दिन हम फेस करते हैं फिर जब कल उठते हैं तो पता चलता अच्छा ये प्रॉब्लम भी थी क्या भूल जाते हैं हम तो हरेक की जगह लाइफ होती है प्रॉब्लम और हमको क्या लगाने कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग और आपने तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोल ले ली है जुडिशरी की तैयारी करना जब समुद्र में डूब ही गए हो है कि नहीं और बाहर तो निकलना ही है तो आप हाथ पैर तो मारोगे ही तो क्यों ना पूरे परसिवरेंस के साथ में हाथ पैर मारे आप और मैं मिलकर नहीं तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा हाँ अच्छा एक वर्ड है स्लोबर स्लोबर का मतलब देखो क्या होता है आ, ये तो आपको जानते होंगे इनका नाम है स्कूबी डूबी डू दू। जब मैं छोटा था तो ये वाला कार्टून में देखता था तो स्लोबर का मतलब होता है लार इस तरह से है फ्रॉम द माउथ जब डोमिनोज का पिज्जा का एड देखते हम है ना फिर उसके बाद जब वो चीज बस्ट पिज्जा होता है है कि नहीं हाँ, स्लोबर आ, अभी अभी तो करते हैं वेन डोमिनोज एड कम्स ऑन टेलीविजन वी बिकेम स्लोबर ठीक है इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं ठीक है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा पर्सन uh, जो पूरे जो क्या कहते हैं अपने पूरे uh, वर्ल्ड को अपना घर समझता है उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन ऑप्शन में है क्या बिल्कुल है uh, कॉस्मोपॉलिटन होटल्स होते हैं हर एक के लिए ठीक है नेक्स्ट अच्छा सेक्यूलर का मतलब होता है हर कास्ट का यूनिवर्सल का मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्ट जिसको कहते हैं और वर्सेटाइल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सब में अच्छा हो वर्सेटाइल नेक्स्ट अकरिंग एट नाइट ठीक है जो रात को ही अकर होते हैं एनिमल्स उसको हम क्या कहते हैं जो रात को नहीं सोते वो होते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स नॉक्टर्नल की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी नॉक्टर्नल इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हा अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स ठीक है हाँ वुमेनिश इन हिज हैबिट्स यानी कि एक ऐसा पर्सन जो लड़कियों की तरह बिहेव करता है उसको हम क्या कहते हैं फिलोगाइनिस्ट ठीक है यानी कि लवर ऑफ फीमेल्स एफेमिनेट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो लड़कियों जैसे बिहेव करता है लड़कियों जैसे कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे हैं ऐसे फेमिनाइन का मतलब क्या होता है फीमेल जेंडर और फेमिनिस्ट का मतलब होता है स्त्रीवादी हम स्त्रियों के लिए ये करेंगे हम वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे है कि नहीं? भारी लोग हैं ये नेक्स्ट तो ये फेमिनिस्ट लोगों से बच के रहना है थोड़ा नेक्स्ट अपोजिट अच्छा देखो एक तो होता है अपोजिट ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा और एक होता है अपोजिट ये अपोजिट का मतलब है मतलब जो सही है प्रैक्टिकल है उचित है हाँ इन अप्रोप्रिएट है ये तो अपोजिट एप्लीकेबल इसको मुझे चेक करना पड़ेगा ठीक है हाँ ये मैं वापस एक बार कराऊंगा इसको थोड़ा सा गड़बड़ है हाँ इसको वापस देखेंगे अपन है ना नेक्स्ट देखते हैं वन डिस्ट्रॉयज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव मूर्ति जो है भंजक यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला है ना ये ध्यान रखिएगा आइकोनोक्लास्ट आइडोलेट्री देखो आइडोलेट्री का मतलब तो होता है कि जो मूर्तियां बनाता है और जो मूर्ति में विश्वास रखता है तो उनको हम क्या कहते हैं आइडोलेट्री इसका आंसर है आइकोनो आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो मूर्तियों को तोड़ता है जैसे औरंगजेब को आप नाम सुना होगा एक और पर्सन है अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंदिर तोड़े थे तो यहां पे एक और वर्ड में आपको बताना चाहता हूं ब्लेस फैमिली इधर से एक और बताना चाहता हूं एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक का मतलब होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि आ, एक ऐसा पर्सन जो भगवान में मानता ही नहीं है ठीक है तो भगवान में नहीं मानता है उसको हम कहते हैं अतिष्ठ यानी कि नास्तिक तो चलो ये तो ठीक है हा लेकिन ब्लेस फेमी का मतलब कुछ और है इसकी स्पेलिंग भी देखो बी एल ए एस बी एल ए एस पी एच ई एम वाई जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू पर्सन है ठीक है और हिंदू पर्सन क्या करता है मंदिर में पूजा करता है तो कोई पर्सन आके मंदिर को तोड़ के चला गया निंदा करना मंदिर में किसी ने टॉयलेट कर दी ठीक है जान पूछ के निंदा मुस्लिम वुमेन है या मुस्लिम मैन है वो नमाज पढ़ रहे हैं और उनको किसी ने धक्का दे के गिरा दिया तो ये जो चीजें होती है ये जो गलत चीजें होती है जो ये ऑफेंस है इसको हम क्या कहते हैं ब्लेस फेमी कहते हैं ठीक है ब्लेस फेमी हाँ, चर्च है चर्च के अंदर किसी ने पत्थर फेंक दिया और मैं आपको यह बता रहा हूं ये जो तीन रीजन बताए हैं ना मैंने ये बिल्कुल सही है ऐसा लोग करते भी हैं ठीक है अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप देखो ये चारों ही गुड़सवार है का मतलब जो घुड़सवार होता है हाँ. तो ये इसका आंसर नहीं क्योंकि यहां पे स्किल्ड लिखा हुआ है और स्किल्ड जो है वो हमेशा कौन होता है जॉकी रेडियो जॉकी ठीक है हाँ रेडियो जॉकी नहीं यहां पे कुछ आ है इक्वेस्टियन का मतलब भी क्या होता है गुड सवार और कैवलरी मैन का भी मतलब क्या होता है गुड सवार बट इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है जॉकी ठीक है हॉर्समैनशिप वो जो आपको पता हो तो बैटिंग लगती है हॉर्स रेस होती है तो जब उस पे जो घोड़ा बैठता उसको हम क्या कहते हैं जॉकी नेक्स्ट वन हु एंटरटेन हिज गेस्ट वेल एक ऐसा पर्सन जो अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से एंटरटेन करता है एक तो सोन पपड़ी ला के रख दो हाँ और एक छोटा सा शरबत पिला दो और एक काजू बादाम है कि नहीं हाँ किशमिश और एक और वो क्या होता है हाँ एक और होता है ठीक है और फिर उसके बाद मिल्क शेक क्या बात है ना कोल्ड कॉफी अलग अलग चीजें तो वो ऐसा पर्सन जो है उसको हम क्या कहते हैं हॉस्पिटेबल अब आप बोलोगे सर हॉस्पिटेबल कैसे हो सकता है हॉस्पिटेबल का मतलब तो हॉस्पिटल होता है ना नहीं इसका मतलब होता है मेहमान नवाजी ठीक है हॉस्पिटेबिलिटी थीक। हॉस्पिटेबिलिटी ठीक है हाँ आ, इन हॉस्पिटेबल मतलब जो बिल्कुल भी नहीं देता है कोई मेहमान आया पानी भी नहीं पूछा बेचारे को वो वा वापस क्यों आएगा बताओ है ना इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त हाँ गुप्त देखो यहां पे है ना गुप्त का मतलब क्या होता है आपने देखा हो तो बहुत सारे लोग इनकॉग्निटो टैब खोलते हैं वही है ये ठीक है हाँ पैरासिटिक अलग चीज हो गई बिल्कुल ही ठीक नेक्स्ट ऑफ अनोन ऑथरशिप ऑफ अनोन ऑथरशिप का मतलब क्या होता है यानी कि हमको पता नहीं है कौन है चलिए देखते हैं हम एक किताब है उसका नाम है नॉवल और एक और किताब है उसका नाम है नॉवल और एक और किताब है जिसका नाम क्या है नॉवल ठीक है अच्छे अच्छे से समझना इसको इस नावल पे किसी का नाम नहीं लिखा किसी का नाम नहीं लिखा उसको हम क्या कहते हैं एनोनिमस क्या कहते हैं एनोनिमस यहां पे मेरा मेरा नाम लिख दिया सूर्य तो ये नॉवल मेरी है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नॉवल मैंने लिखी है क्या है नॉवल मैंने लिखी है लेकिन नाम मैंने क्या लिखा है डॉन ठीक है तो जो मेरा है वो सुडोनियम हो गया असली नाम छुपा के है ना असली नाम छुपा के जो डॉन लिखा है मैंने वो हम क्या होता है सुडो कहते हैं खुद का नाम छुपा के दूसरे का नाम लिखना ठीक है तो कहीं पर डॉन लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लेना मैं ही हूं ओल्ड अनमेरिड वीमेन अगर लड़का अगर बैचलर होता है तो लड़कियां जो है वो क्या होती है स्पिंस्टर ऑप्शन नंबर सी स्पिंस्टर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वन हु लव्स मैनकाइंड सर भूख लगने लगी काजू बर्फी हमारे यहां बरेली में बहुत अच्छी मिलती है जी बिल्कुल बरेली से मेरे पास खूब कॉल आ रहे हैं वो झुमका चुराया देखने के लिए तो बिल्कुल और बरेली की बर्फी तो है ही फेमस है कि नहीं बिल्कुल वन हु लव्स मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, है ना तो वो होता है फिलेंथ्रॉपिस्ट ऑप्शन नंबर बी फिलेंथ्रॉपिस्ट अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं अगर किसी को लग रहा है कि इंग्लिश की क्लासेस नहीं हो रही है तो मैं आपको बता देता हूं आ, मैं डेली नौ बज के पंद्रह मिनट पर क्लास लेता हूं इंग्लिश की इस क्लास का नाम पता है क्या है स्ट्रेस रिलीवर क्लास क्या कहते हैं इसको हाँ स्ट्रेस रिलीवर क्लास अब ये स्ट्रेस रिलीवर क्लास कैसे है तो वो तो देखने पे ही पता पड़ता है है कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हम अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर तो इसको हम क्या कहते हैं या तो डिक्टेटरशिप कह सकते हैं या फिर autocracy. तो इधर से ऑटोक्रेसी हो, हो गया चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से खत्म करना है अब हाँ ये वाला जो वर्ड है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मतलब होता है सेक्रोसेंट ठीक है सेक्रोसेंट का मतलब है एक पवित्र धार्मिक ठीक है जैसे regarded as too important, हमारे लिए जो आता है वो बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है सेक्रोसेंट है ठीक है हम तो इतने अलग ही तरह के सेक्रोसेंट है कि अगर कोई किताब है वो नीचे गिर जाती है तो उठा कैसे करते हैं कोई नोट है मैं तो कह रहा हूं किसी पर्सन के गलती से हमारा पैर भी लग जाता है तो भी हम ऐसे करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं सेक्रोसेंट तो ये हमारे भारत का कल्चर है है ना हमारे भारत की जो प्योरिटी है ये बिल्कुल और वो हर भारतीय में है जैसा कि आप ये सब देख सकते हैं राइट चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं मेस्ट्रो अच्छा मेस्ट्रो करके तो एक स्कूटी भी आती है तो मेस्ट्रो का मतलब होता है मास्टरी किसी चीज के अंदर मास्टर होना व्यक्ति ज्यादा एक्टिवा है बट मास्ट्रो इज मेस्ट्रो ठीक है माहिर होना वर्टुसो। आ, जो टीचर वर्टुसो होते हैं है ना उनसे पढ़ने का मजा ही अलग है है कि नहीं हमारे जो कंट्री में क्या शानदार शानदार टीचर्स हैं है, है कि नहीं मजा थोड़ी ना है ये राइट? एंटोनियम की बात करें तो टाइरो बिल्कुल सही है आपके जुडिशरी के अंदर देख लो धनसुख सर है कि नहीं बिल्कुल एकदम इंडिया के टॉप लेजेंड्स में से एक चलो नेक्स्ट देखते हैं पे फॉर ऑल डिजीज हर दर्द की दवा जिसे कहा जाता है वो कौन सी होती है तो चलिए देखते हैं मेडिसिन तो देखो अलग अलग जगह की अलग अलग दवा होती है मेडिकल अलग चीज हो गई मेडिका Medica भी मेडिकल से ही रिलेटेड है पेनेसिया आपने नाम सुना होगा रामबान और हमारे ऐसे घरों में ऐसे बोलते इसका रामबान इलाज ये है तो वही चीज है इसका पेनेसिया जो है ये है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी ठीक है एक लड़का है जो अच्छा है तो गुड है इससे भी अच्छा लड़का है तो वो बेटर है लेकिन सबसे तो अच्छा बेस्ट मतलब कि वो है तो बेस्ट क्या है एक डिग्री है, है ना जैसे एक लड़का जो है टॉल है फिर वो टॉलर है और फिर सबसे टॉलेस्ट है ठीक है तो वो क्या है एक डिग्री है तो जो हाईएस्ट क्वालिटी की डिग्री होती है तो हम क्या कहते हैं उसको सुपरलेटिव कोई दिक्कत नहीं है सुपरलेटिव इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लैश ठीक है हाँ देखते हैं इसका आंसर वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लैश जी एक्चुअली इसका मतलब तो होता है खाने पीने का शौकीन खाने का और पीने का शौकीन लेकिन आ, ये भी हो सकता है ठीक है हाँ आ, इसको हम कहते हैं एपीक्योरन पर्सन ठीक है एपिक्योरियन पर्सन जो नॉनवेज भी खा सकता है लेकिन ये मोस्टली कम यूज करते हैं अच्छा एक आदमी होता है हाँ आपको उसका मतलब बताना है एक आदमी जो इंसान को ही खाए उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं आप बताइएगा एक तो होता है ओमनी जो खाना फ्लैश और दोनों खाता है एक होता है जो हर्बीवोरस होता है जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं एक कार्निवोरस बोरस जैसे शेर होते हैं जो सिर्फ जानवर खाते हैं तो वो वर्ड क्या है हाँ, जो इंसानों को ही खा जाता है नेक्स्ट एन एनिमल डेट लिव्स इन ग्रुप आपको पता हो तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं चीट झुंड में रहती है है ना तो वैसे जो वर्ड है वो है ग्रिगेरियस 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 का मतलब क्या होता है जो झुंड में रहते हैं पर्सन या फिर कोई एनिमल्स पास्टिडियस का मतलब जो बहुत नखरे करता है मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा है ना राइट और गुलीबल का मतलब होता है भोला जैसे आप लोग सभी भोले लोग है ना वैसे ही गुलीबल लोग हैं चलिए अब मैं आपको बताता हूं जो इंसान इंसान को खा जाता है उसको हम कहते हैं कैनिबल कैनिबल की स्पेलिंग भी याद रखनी है सी ए डबल एन आई बी एल कैनिबल ठीक है नेक्स्ट बिटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड सालों की दुश्मनी पहले पेरेंट्स में थी फिर बच्चों में हुई फिर उनके बच्चों में हुई है ना हाँ, फ्यूड फ्यूड का मतलब होता है सालों साल दुश्मनी जो चलती है पिक्चरों में दिखाते हैं ना अपन वही है ये हाँ। सन ऑफ सरदार में भी दिखाया था वही है ये फ्यूड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी कि एक ऐसा पर्सन जो इधर से उधर जाता रहता है काम से जाता है या मतलब प्लेस टू प्लेस हाँ, रेंट हो सकता है कोरियर हो सकता है कैनिबल हो सकता है या फिर क्वैक हो सकता है चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है एटेंडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है एटेंडेंट इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखते हैं आ, यहां पे देखिए हाँ, पाकशाला संबंधी ठीक है आ, कुलिनरी क्लासेस होता है क्यूलिनरी क्लासेस होता है यानी कि ये खाने पीने की क्लासेस होना जैसे देखो यहाँ पे ये सीख रहा है इनसे खाना ये शायद मेरे हिसाब से जैकलीन है हाँ तो ऑफ और रिलेटिंग टू और यूज टू कुकिंग्स ठीक है कुकिंग से रिलेटेड जो होता है ये होता है नेक्स्ट रेप्लिका माई गॉड रेप्लिका इज नाइस वर्ड देखो हर चीज की एक कॉपी तो हम पहले बनाते हैं समझ लो बड़ी सी हमको बोट बनानी है तो पहले उसका छोटा सा डिजाइन बनाएंगे जिसको हम रेप्लिका कहते हैं सेम उसी से, सेम उसी उसी तरह तरह से से ठीक है यहां पे देखो एक रेप्लिका है देखो अर रेप्लिका और आपको मैं बताना चाहूंगा ताजमहल जो खुद एक रेप्लिका है वैसे तो लेकिन बहुत ही शानदार है सेवन वंडर्स में से एक आता है ताजमहल का रेप्लिका है एक बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनाया था राइट तो वो भी एक रेप्लिका होता है एन एग्जैक्ट कॉपी राइट जैसे आपको पता हो तो वो अपने एसपी सर है ना अपने हाँ जी के पढ़ाते हैं जो हाँ वो भी मेरा रेप्लिका ही है एक तरह से हाँ फिर वो थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखते हैं थोड़ा सा हाँ इसीलिए मैं उनको पांच हजार रुपए देता हूँ पांच हजार में काम करा लेता हूँ सही है ना बिल्कुल हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके जो डाउट्स है जैसे आपका हरियाणा एडीए का हो गया ये जितनी भी चीजें हो गई ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे कोई भी तरह का डाउट हो तो फटाफट से बता दीजिए राइट भूख लग रही जी बिल्कुल भूख तो मुझको भी लग रही है ओके और एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी आपको अभी आ, एक नई शुरुआत तो शाम को हम कितनी बजे मिलेंगे आप सबको पता ही है पांच बजे कितनी बजे 5 हमारी पूरी लिंकिंग टीम होगी आपके साथ में और एकदम शानदार ही माहौल रहेगा राइट चलिए और लिंकिंग किसी लिए होगा क्योंकि ये हमारा जो बैच स्टार्ट होगा और ये जितनी भी पर्सनालिटीज है सबके सब आपको मिलेंगे यहाँ पे शाम को पाँच बजे और सब्सक्रिप्शन का जो है मैंने आपको बताया ही था ऑफर तो अब खत्म हो चुका है लेकिन लिंकिंग कोड यूज करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं फाइव चलिए फिर तो मिलते हैं हम कल फिर से इसी क्लास में थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे थैंक यू